हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो आज मैं हार्डवेयर से रिलेटेड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और हमारे जो टाइटल है उसमें आप समझ ही गए होंगे कि ये मैं किस पर्पस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये फ़ोन है रेडमी का सेवन ये फ़ोन है, जो कि अभी लेटेस्ट हैंड फ़ोन है ये। और ये फ़ोन मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें लाइट नहीं आ रही है, लाइट का प्रॉब्लम है। तो इसकी लाइट को हम सारी पूरी लाइन इसकी डायग्नोस करेंगे, आईसी से लेकर के कनेक्टर तक सभी को इसको डायग्नोस करेंगे और इसको लाइव ही आपके सामने हम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन खुला हुआ है और मैं तो आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़ोन हमारा ऑन होता है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, वाइब्रेट तो हो गया है फ्रेंड्स, बट आपको अगर दिख रहा होगा, मैं दिखा सकूँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे शेर का एक इसमें वॉलपेपर लगा हुआ है, जैसा कि मैं थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शेर का आइकन, जैसे देख रहे हैं शेर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, शेर का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सेट हमारा प्रॉपर ऑन है, ग्राफिक्स इसमें आ रहा है। आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें आपको शेर का इसमें डिस्प्ले बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये फ़ोन ऑन है, प्रॉपरली तरीके से ये ऑन है। बट अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स, इसमें वॉलपेपर है शेर का है और इसको हम डायग्नोस करके प्रॉपरली तरीके से इसको हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं पीछे इसमें शेर जैसा आइकन दिख रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा सके तो ये देखिए। तो ये इसमें ग्राफिक्स तो है बट इसमें लाइट्स का प्रॉब्लम है, तो इसको हम फुल तरीके से डायग्नोस करने वाले हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ें। उससे पहले हम यहाँ पर ट्रेसिंग करेंगे, बट उससे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली तौर से करके दिखाने वाला हूँ। तो इस फ़ोन में पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बोर्ड में आकर के सारी चीज़ें यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ये इसका लाइट सेक्शन है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से दिखा दूँ फ्रेंड्स। ये इसका लाइट सेक्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है। तो मैं फ्रेंड्स इसको प्रॉपरली तरीके से पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ प्रॉपरली तरीके से। ये इसके कनेक्टर्स हैं, इसके पास सारे जीआर वगैरह हमें चेक करने होते हैं सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने ही वाले हैं। तो उससे पहले चलिए मैं वीडियो में आपको स्टमेटिक में समझा दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रैक्टिकल समझा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो अपने पीसी में चलते हैं, आपको स्टमेटिक से पहले समझा दें, फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर से इसका सोल्यूशन करने वाला हूँ, तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो पहले आप स्टमेटिक समझ लें स्टमेटिक डायग्राम से, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया, हमने वहाँ पे आपको दिखाई दिया है रेडमी का सेवन फोन है, और ये फ़ोन मैं आपको जैसा कि हमने अभी दिखाया है कि उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रही है, उसमें लायन का चित्र है, वॉलपेपर है, लायन का वॉलपेपर है। तो मैं उसको आपको प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स स्टेमेटिक डायग्राम समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देर न करते हुए, क्योंकि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने रेडमी का सेवन खोल के रखा हुआ है, रेडमी सेवन हमने खोल के यहाँ पे रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये है रेडमी का सेवन, आपको देर ना हो इसलिए मैंने इसको पीसीबी को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे अपर और लोअर दोनों बोर्ड हैं, यहाँ पे दोनों हमारी रखी हुई है, इसको हम सारे चीज़ टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो डिस्प्ले का कनेक्टर है, आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर यहाँ है। तो जिनको स्टमेटिक में भी कहीं दिक्कतें आती होंगी तो ये आप स्टमेटिक तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें कनेक्टर जाना है, कनेक्टर से हमारी ग्राफिक्स तो आ रही है, हमें लाइट सेक्शन में जाना है, लाइट सेक्शन को फाइंड आउट करना है ये फ़ोन, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो चलिए अब हम ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर पे हम डबल क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अब इस कनेक्टर पे हमें जाना है, तो हम बोर्ड पे जाएंगे फ्रेंड्स, और इस बोर्ड में जाने के बाद स्टमेटिक में जाएंगे, फिर स्टमेटिक में जाने के बाद हमें उसी कनेक्टर पे सर्च करना है। तो ये देखिए हमने जो सर्च किया, तो ये हमारा एलसीएम मतलब लाइट सेक्शन ग्राफिक सेक्शन सारा कुछ आ गया है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये देखिए डिस्प्ले सेक्शन यहाँ पे आ गया है, डिस्प्ले कनेक्टर पे हम पहुँच गए हैं। ये हमारा 44 पिन का कनेक्टर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखेंगे आप कॉर्नर में ही, यहाँ पे इसके कॉर्नर में ही आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे इसके कॉर्नर में ही है, और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर में, मैं जूम आउट करूँगा तो यही बोर्ड है रेडमी सेवन जो कि कॉर्नर में है,
और इजली तरीके से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं अपने कनेक्टर्स में आ चुका हूँ फ्रेंड्स। अब कनेक्टर्स आने के बाद मैं इसको पूरा आपको फाइंड आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे सारी लाइनों का ट्रेस, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो हमारी लाइट है वो हमारी दो लाइन, ये कैथोड की लाइन है, LED 1 और LED 2, ये कैथोड 1 और कैथोड 2 है। अब उसके बाद देखेंगे एनोड जो हमारी आ रही है, ये देखिए लास्ट की हमारी ये जो 20, 19, 18, 19 और 20, ये जो हमारी 18, ये जो हमारी 18 की पिन है, और ये जो हमारी 19 की पिन है, और ये जो हमारी 20 की पिन है। इन पिनों को हमें ट्रेस करना है, मतलब इन तीनों पे हमें रीडिंग आना चाहिए, GR आना चाहिए और इनमें वोल्टेजेस आने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि आप ये LED का है, तो हम इसमें जाते हैं और देखते हैं कि इसका LED कहाँ पे है, इसका लाइट सेक्शन को हम ट्रेस करते हैं। तो इस लाइन में देखते हैं क्या लगा होता है, इसकी लाइन को हम प्रॉपरली तरीके से हम ट्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसका LED ब्लैक LCD एनोड, एनोड की लाइन हमें ट्रेस करना है, और हमें दोनों आपको कैथोड को भी ट्रेस करना है। तो कैथोड को भी आप देख सकते हैं, कैथोड में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोड की लाइन में सारी चीज़ें। तो ये दोनों लाइनों को हमें ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद मैं इनको आपको प्रॉपरली शुरू तरीके से इसका लाइट सेक्शन आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए LCM बैक लाइट सोल्यूशन, तो ये पूरा LCM का बैक लाइट है, ये पूरा LCM का Redmi 7 का सेक्शन है जो कि ये वर्क करता है। इसमें जो IC लगी हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी EN और हमारी इनपुट होनी चाहिए, फिर आउटपुट होगा। ये हमारा लाइट सेक्शन का लाइट IC लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा सारी चीज़ें, कैथोड एनोड, और यहाँ पे सारी दोनों लाइनों को हम ट्रेस करके बताएंगे। तो ये देखिए हमारी दो कैथोड पे जा रही है फ्रेंड्स, हमारा उसके साथ हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, उन दोनों रजिस्टरों को मैं बता दूंगा कि कहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद जो हमारी एनोड की लाइन है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी एनोड की जो लाइन जा रही है, ये देखिए LCM बैक लाइट LED, ये एनोड की हमारी लाइन है, जिसमें एक हमारा 0 इसमें फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उसके बाद एक डायोड लगा हुआ है आउटपुट की लाइन में, ये आउटपुट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये देखिए इसका आउटपुट है, और आउटपुट आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से, ये प्रॉपर BPH और यहाँ पे जुड़े होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉयल के साथ ये यहाँ तक आपका 4 वोल्टेज ही आएगा, 3.3 या 4 वोल्टेज आएगा यहाँ पर ये माइनस से, फिर जब बूस्ट हो जाएगी, जब उस जैसे उसको EN सिग्नल मिलेगा फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे EN सिग्नल, ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं LED EN सिग्नल जब उसको मिलेगा, तब जाके IC जैसे ही उसको, पहले तो सबसे पहला फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले उसको BPH मिलेगी, प्राइमरी इसमें वोल्टेजेस मिलेंगे, तब जाके फिर उसके बाद EN सिग्नल, उसके बाद ये अपना आउटपुट निकालेगा फ्रेंड। देख सकते हैं कॉयल के थ्रू यहाँ पे बूस्ट कॉयल लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बूस्ट कॉयल, जब ये EN पाएगा तो ये बूस्ट करके यहाँ पे वोल्टेजेस बनाएगा, और ये यहाँ पे देख सकते हैं एनोड की लाइन में एक आपको डायोड मिलेगा। डायोड के बाद मैं ये सारा चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको एनोड की लाइन और कैथोड की लाइन दोनों को बता सकता हूँ। पहले मैं एनोड की लाइन में बता दूँ कहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है बोर्ड में। तो एनोड की लाइन में फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं ये PCB में भी आपको दिखाऊंगा, बिल प्रैक्टिकल आपको पहले यहाँ पे दिखा दूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, पर फुल डिटेल के साथ बन रही है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख करके प्रॉपरली तरीके से समझ सकते हैं। तो अब इसको मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आउटपुट चेक करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनपुट इसमें आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें इनपुटेड आ रही है, इसमें मैं आउटपुट चेक करूंगा, वो सारे वोल्टेजेस को भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आउटपुट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि डायोड से मैं ट्रेस करता हूँ यहाँ पे, कि डायोड जब हमें डायोड को देखना है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च में करना है D2001। अब आपको बोर्ड में जाना है, विट मैप में जाना है, विट मैप में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जैसे ही करेंगे तो देखेंगे ये डायोड यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड है, जस्ट कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, कनेक्टर के ऊपर ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारी ये IC है, और ये हमारा ये बूस्ट कॉयल है। हम यहाँ पे एक बार में आपको यहाँ पे सारे सेक्शंस को यहाँ पे बता देते हैं। ये हमारा पूरा लाइट सेक्शन है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था ऊपर में, आप यहाँ पे अगर जूम से दिख रहा होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं भी अभी प्रॉपरली फोन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे इसका लाइट सेक्शन है, जो कि यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगी है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, सारी चीज़ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ये बूस्ट कॉइल हो गया, ये हमारी IC हो गई, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं डायोड मिल गया हमारा, जो यहाँ पे तुरंत डायोड लगा हुआ है। अब डायोड के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि 2058 लिखा हुआ है। तो अब इस कैपेसिटर को भी आप देखेंगे तो 2058 देखिए उसके बाजू में, जस्ट कैपेसिटर भी हमें मिल गया है वहाँ पे। फिर
अब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको फिर एक कैपेसिटर और मिलेगा 2059। तो फ्रेंड 2059 को भी हम देख लेते हैं, तो उसके जस्ट नीचे ही 2059 एक कैपेसिटर और लगा हुआ है। अब सीधा वो लाइन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक आपको फ्यूज़ रजिस्टर के होते हुए सीधा वो जाएगी एलईडी 20 नंबर की पिन पे जाएगी, कनेक्टर के 20 नंबर पिन पे जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद भी कंप्लेंट्स हमें लगे मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक हमारा कोड रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पीसीबी में अभी थोड़ी देर के बाद दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ये तो था हमारा एनोड की लाइन। अब यहाँ पे सिंपली अब हम जाएंगे तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो लाइट जा रही है हमारे डिस्प्ले की लाइट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए एनोड की लाइन हमारी ये आ गई, जो 20 पिन की कनेक्टर पे जा रही है, जो यहाँ पे ये जा रही है 20 पिन की कनेक्टर में एनोड की लाइन जा रही है। इस लाइन में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे और एक कॉइल देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दो कंपोनेंट्स को भी चेक करना है। तो सिंपल C2012 अब ये कहाँ पे लगे हैं, तो आपको C2012 पे करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कनेक्टर के पास ही J2002 के पास ही उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे हमारा वो मिल गया, देख सकते हैं कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारा मिल गया है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे दिखाऊंगा सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकली तौर से बताऊंगा। तो आपको सारी ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे, आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी फ्रेंड, थोड़ी सी बड़ी वीडियो है क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ बना रहा हूँ। तो फटाक से मैं उसकी कैथोड की भी लाइन भी दोनों को एक लाइन को ट्रेस कर देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली तौर से जा करके प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। तो चलिए लाइट आएंगे, बैक लाइट में फटाक से फिर से आएंगे। ये हमारा इनपुट लाइन में जो लगा हुआ है कॉइल, तो बूस्ट कॉइल को भी देखना है फ्रेंड, तो आपको यही डायोड के पहले एक बूस्ट कॉइल देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएच लाइन में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है कैपेसिटर के साथ, ये एन सिग्नल का हो गया, ये बीएमडब्ल्यू हो गया, ये कैपेसिटर है, ग्राउंड कर रहा फिल्ट्रेशन, ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये इंटरप्टेड की लाइन। तो ये जो हमारी लाइन होती है बेसिक फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये आपका जो कोड रजिस्टर, ये सिंपली रजिस्टर एक लगा हुआ है, ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है ये लाइन, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर ये रजिस्टर हट जाएगा तो आपका ब्राइटनेस अप डाउन नहीं होगा। चलिए तो फटाक से हम देख लेते हैं कि ये रजिस्टर कहाँ पर लगे हुए हैं हमारे जो कैथोड की लाइन है। तो हम एक लाइन को ही ट्रेस कर लेते हैं फुली तरीके से, फिर मैं आगे आपको प्रैक्टिकल चलता हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो डबल क्लिक किए हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 2030। अब हम जाएंगे बिट मैप पे जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप फ्रेंड देख सकते हैं जस्ट उसी के बाजू में हमारे जो हमारा डायोड लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहीं पर हमारा कैथोड की लाइन भी मिल जाएगी। तो कैथोड की लाइन ये देख सकते हैं हमारा 2030 का एक रजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये ओपन हो जाएगा तो हमारे कनेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। तो अब उसके बाद ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा और सीधा ये लाइन जा रही है सीधा 20 नंबर 18-19 वाली पिन पे। तो अब यहाँ पे जैसे इसके बाजू में ही आपने देखा था फ्रेंड्स, ये हमारी एलईडी हो गई, ये कैथोड की दो लाइनें हो गई। तो यहाँ पे भी एक आपको कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कनेक्टर के पास लगा होगा। तो इस कैपेसिटर को भी फटाक से हम चेक लेते हैं, डबल क्लिक किया हमने C2013 पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा C213 ये देखिए यहाँ पे भी ये कैपेसिटर मिल गया कनेक्टर के पास ही, कनेक्टर के जस्ट ऊपर ही हमें ये कैपेसिटर मिल गया। तो अगर शॉर्टिंग होती है तो हमारे ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है और यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर था हमने वहाँ पे दिखाई दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपकी जो लाइट सेक्शन है आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप ट्रेस कर सकते हैं फ्रेंड, ये सारा पूरा इसमें लाइट सेक्शन है। प्रॉपर मैं स्टेमेटिक बताऊंगा तो आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं प्रैक्टिकल वीडियो तौर से आपके काम करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ फ्रेंड, और इसकी लाइट मैं यहाँ पे फुल्ली रिपेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली तौर से करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें, मैं एक एक करके आपको ट्रेस करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ डायग्नोज करा ही दिया है, तो मैं आपको प्रॉपरली तरीके से ये देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मैं छोटा फटाफट हाईलाइट कर देता हूँ फिर मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि हमारी लाइन ब्रेक तो नहीं हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं सारी चीज़ करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा लाइट सेक्शन हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा आउटपुट का, ये हमारा बूस्ट कॉइल है जो कि इनपुट से भी जुड़ा होता है और आउटपुट से भी जुड़ा होता है। ये हमारा डायोड है फ्रेंड, जो आउटपुट का डायोड है, ये आउटपुट का कैपेसिटर है, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है। और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ अगर दिख जाएगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक फ्यूज़ रजिस्टर लगा हुआ है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे आउटपुट में एक फ्यूज़ रजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये लाइन सीधा ये कनेक्टर पे जा रही है, ये 20 नंबर का पिन है।
तो आप देख सकते हैं ये पिन हमारी, ये लास्ट की हमारी, ये हमारी चालू हो जाएगी 1 2 3, ये हमारी 20 नंबर की पिन है यहाँ पे। तो इन तीन पिन पे हम, लास्ट के तीनों पिन पे हम यहाँ पे रीडिंग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इन तीनों पिन पे हमें GR आना चाहिए। अगर हमारी ट्रैक ओपन होगी तो मैं सारा चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायग्नोज किया था फ्रेंड। तो किसी टेक्नीशियन ने, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किसी टेक्नीशियन ने फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया है कि कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे ब्रेक हो गया है। लगता है आई थिंक यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ही ब्रेक हो गए हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखाना चाहूँगा, जूम इन करके। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी मैं चेक करके प्रॉपर दिखाऊंगा, क्योंकि जो एक कॉम्पोनेंट था एनोड की लाइन का, ये एनोड की लाइन का कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे उखड़ा हुआ है। तो मैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। की देख सकते हैं हमारा लगा हुआ है, ये हमारा लाइट सेक्शन हो गया फ्रेंड्स, और ये हमारा बूस्ट कॉइल, ये हमारा डायोड, ये हमारा आउटपुट का डायोड है, ये हमारा इनपुट का है, इनपुट का कैपेसिटर। मैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली तौर से करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम ट्रेस करते हैं, और ट्रेस करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली तौर से यहाँ पे करके दिखाता हूँ ट्रेसिंग आपको फटाक से। तो आप देख सकते हैं मैं उसकी लास्ट की जो तीन पिन है फ्रेंड्स, मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा रेड प्रोब, और इसकी जो पहले एनोड की लाइन को देखता हूँ, तो एनोड की लाइन पे हमें रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप दिखाइए सर, एनोड की लाइन पे हमारी, एनोड की लाइन पे हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो ग्राउंड कर दिया, और एनोड की लाइन पे देखिए कोई GR आ रहा है सर? तो कोई GR यहाँ पे नहीं आ रहा फ्रेंड्स। नीचे दिखाइए सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहली वाली पिन, 20 वाली पिन पे लगाया हुआ है, तो कोई भी GR नहीं आ रहा है। अब मैं इसके कैथोड पे देखता हूँ GR आ रहा है कि नहीं। तो इसके कैथोड के भी पिन पे मैं देख लेता हूँ फ्रेंड, कैथोड के पिन पे भी हमारा GR नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैथोड के पिन पे हमारा GR आ रहा है, मतलब कैथोड की लाइन तो सही है। हमारी जो फ्रेंड्स एनोड की लाइन है, आप देख सकते हैं फिर से मैंने उसको ग्राउंड किया हुआ है। एनोड की जो लाइन है फ्रेंड्स, 20 नंबर वाली पिन, आप देखिए दिखाइए सर यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ओपन है, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ट्रैप ओपन हो चुका है, तो इसलिए हमारी वो लाइट नहीं आ रही है। इसमें हमारा जो हमने चेक किया हुआ था पहले, इस वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फ्रेंड, तो ये हमारा बूस्ट कॉइल तो बना रहा है, यहाँ पे हमारा आउटपुट भी निकल रहा है फ्रेंड्स, बट हमारा ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको फटाक से यहाँ पर ट्रेसिंग करके दिखाता हूँ कि हमारा वो जो ट्रैक सही है कि नहीं। तो मैं 20 वाली पिन पर रखूँगा फ्रेंड्स, 20 नंबर वाली पिन पे यहाँ पे मैं रखूँगा, और कंटिन्यूटी लूँगा कि हमारी क्या आउटपुट जो है वो हमारी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही फ्रेंड। तो मैं सिंपली 20 वाली पिन पे रख दिया हूँ, और यहाँ पे मैं देखूँगा कंटिन्यूटी, कोई भी बीप नहीं आ रही है, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो हमारा जुड़ा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं बीप आपको सुनाई दे रही होगी, और ये जो हमारा इनपुट है वो हमारा बूस्ट कॉइल से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। और हमारे ये देखिए इनपुट, ये हमारा जुड़ा हुआ है, बूस्ट कॉइल से भी जुड़ा हुआ है, ये हमारा लाइट सेक्शन लाइट IC है, और ये आउटपुट जो है, तो आउटपुट का जो कैपेसिटर आउटपुट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जो दो कैपेसिटर आपको बताए थे वो भी कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कोड रजिस्टर है फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो एक कोड रजिस्टर है, फिर बाया यहाँ फ्यूज़ रजिस्टर है सॉरी, तो ये फ्यूज़ रजिस्टर जो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे सर, तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, ये किसी वाटर डैमेज के कारण ये डैमेज हो करके वहाँ पे ट्रैक ही ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर डैमेज के कारण यहाँ पे ट्रैक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, हमारी कैथोड की लाइन ओपन हो चुकी है, जैसा कि आपको मैं बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा मैं और आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, तो ये कैथोड की लाइन हमारी ओपन हो चुकी है। तो ये कॉम्पोनेंट्स आपको दिख रहा होगा आई होप, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट लगा हुआ था जो कि यहाँ पे वाटर डैमेज के कारण ये हमारी ट्रैक यहाँ से ओपन हो चुकी है। बट यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जो हमारा कॉयल है फ्रेंड्स, ये कॉयल और कैथोड से ये देखिए बीप आ रहा है, मतलब हमारा अगर मैं यहाँ पे और यहाँ से कंटिन्यूटी देख सकते हैं, नहीं आ रही है, कोई भी बीप नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड इसका सोल्यूशन यही है कि आपको आउटपुट से इसके कैथोड में अगर हम एक जम्पर लगा देते हैं तो इसका 110% सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं ये लाइव ही करके आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हम कनेक्टर्स पे ना मार के फ्रेंड्स, मैं कनेक्टर पे भी मार सकता हूँ, पर मैं इस कॉयल पे भी मार दूंगा, मैं कॉयल पे ही कर दूंगा एक जम्पर, और एक यहाँ से मैं फ्यूज रजिस्टर से एक जम्पर उठाऊंगा आउटपुट के, और यहाँ पे कॉयल से मैं कर दूंगा क्योंकि अभी तक कोई बीप नहीं आ रहा है। फिर इस कॉयल से और इस फ्यूज रजिस्टर से और यहाँ पे कॉयल से हम एक जम्पर लगा देंगे, और देखते हैं कि हमारा ये काम होता है कि नहीं। तो चलिए फटाक से हम एक जम्पर लगा देते हैं, मैं उसके कॉयल पे एक छुर, यहाँ पे मैं कॉयल पे जंपर मार रहा हूँ फ्रेंड्स, और दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं जंपर बस फटाक से लगा देता हूँ। और ये थोड़ा सा इशू हो सकता है हमारा आयरन का, इसमें जंपर लगा देता हूँ। तो हमारे जंपर लग चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको आप एक टेपिंग भी कर सकते हैं जिससे कि हमारे जंपर ना हटे और ये कहीं पे टच ना हो। तो हमने फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे,
तो हमने आउटपुट की ये देख सकते हैं फ्रेंड छोटा सा कि ये मैंने आउटपुट से लेकर के हमने एक कॉयल पे जंपर मार दिया है जिससे कि वो कॉयल इससे कंट्रीटिंग है। मैं फटाक से कंट्रीटिंग आपको चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स और फिर देखते हैं कि हमारा ये सक्सेस होता है कि नहीं। आप बने रहें तो फटाक से मैं इस आउटपुट से और इसके कनेक्टर पे देखता हूँ बीप। तो ये देख सकते हैं सुनाई दे रहा होगा इसके जो फर्स्ट वाले जो हमारी कैथोड वाली पिन पे एनोड वाली पिन पे हमारी कंटिटी आ रही है आउटपुट से। तो फ्रेंड्स अब इसको लगा के आपको प्रैक्टिकली तौर से दिखाते हैं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो मैं आपको डीपली तरीके से और भी ये दिखा दूंगा और एक बार और फाइंड आउट करा दूंगा आपको सारी चीज़ें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं फटाक से इसको लगाता हूँ और क्योंकि मैंने कनेक्टर्स में नहीं मारे हैं, क्योंकि कनेक्टर्स पे आप भी कभी ना मारे, इसलिए कनेक्टर्स पे ना मारे क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कनेक्टर्स पे आप करते हैं तो वो कनेक्टर उखड़ने का मैं बता दूं आपको उखड़ने का ज़्यादा वो रहता है। तो देखिए मैं फ्रेंड इसको चालू कर रहा हूँ तो ये सामने में फोन हमारा चालू हो चुका है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से हमारा ये लाइट आ चुका है जो कि इसमें एक लायन का चित्र आ रहा था। मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स ये लायन का चित्र देखते हैं, अगर मैं फेक वीडियो बनाया हूँगा तो इसमें लायन का ही चित्र दिखना चाहिए, और अगर लायन का चित्र नहीं हुआ कोई और वॉलपेपर आता है तो मतलब ये पहले फेक वीडियो होगा। इसलिए मैंने आपको सारा डायग्नोज पहले ही मैंने स्टेमेटिक डायग्राम से सारा बताया हुआ है। ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये लाइट प्रॉपरली आ चुका है एकदम बेसिक तरीके से। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ बताया था स्टेमेटिक डायग्राम में कि अगर एक हमारा जो एक रजिस्टर था वो ओपन हो जाएगा तो हमारे प्रैक्टिस से होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा प्रॉपर टच भी काम कर रहा है, और यहाँ पे आप देखिए जो पास आकर के यही वो लाइन था। अगर आप वीडियो को शुरू से भी देखेंगे थोड़ा सा तो ये लाइन का थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स नजर आ रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो ग्राफिक्स तो दिखेगा नहीं फ्रेंड्स। बट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो मैं आपको पास में करके एक बार थोड़ा सा इसकी हाईलाइट फटाक से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसका एक हाईलाइट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए जो इसका आउटपुट था फ्रेंड्स, मैं आपको आपको और जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो इसका आउटपुट था, आउटपुट में इसको एक बार आपको फटाक से हाईलाइट बस दिखाना चाहता हूँ कि हमने इस पे क्या किया है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो आउटपुट था ये हमारी एनोड की लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी थी, तो हमने एनोड की लाइन यहाँ पे जो कॉम्प्लेंट्स हमारा लगा हुआ था फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी एनोड की लाइन ब्रेक हो गई थी, यहाँ पे जो कॉम्प्लेंट था वो ब्रेक हो गया था। तो मैंने कॉयल पे जंपर मार दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ फ्यूज़ रजिस्टर से उठा करके एक जंपर यहाँ पे एनोड की लाइन पे मार दिया है क्योंकि आउटपुट यहाँ पे नहीं बन रहा था। यहाँ पे अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पे कॉयल पे एक जंपर और यहाँ पे उठा करके आउटपुट लाइट के आउटपुट पे हमने दे दिया है और ये 110% जॉब डन हो चुका है फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है बट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है जैसा कि मैंने लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाया है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने कनेक्टर्स पर जंपर नहीं मारा है, आप देखेंगे, क्योंकि कभी भी आप कनेक्टर्स पर जंपर ना मारें। अगर आपका आयरन ज़्यादा हीट हो गया या कुछ हो गया तो वो जल जाएगा या फिर वहाँ पर उखड़ सकता है, तो जब कनेक्टर से उखड़ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से हमारा ये सोल्यूशन हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।